हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं पापड़ी चाट बनाने के लिए। ये हमने लिया है 2 कप मैदा और आधा कप जो है रवा लिया हुआ है, और हमें डालना है इसमें नमक जो है डालना है, रिफाइंड ऑयल, हमें इतना डालना है कि जब तक मुट्ठी अच्छे से नहीं बन जाती है। ये चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा कि जो है जब इस तरह से मुट्ठी बनने लगेगी तो जो है समझ लीजिए कि अब और हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है रिफाइंड डालने की। अभी कम लग रहा है और हमें थोड़ा डालना है। बस हमें इससे ज़्यादा नहीं डालना, अब हमको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से गूंद लेना है। देखिए इस तरह से मुट्ठी बनने लगी है, तो बस हमको पानी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो है गूंद लेना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इस तरह से ये आटे का डो बना लेना होगा, जो है जिस तरह से पूड़ी का आटा गूंदते हैं इस तरह से जो है। अब इसको हमें 10 मिनट के लिए रख देना है। अब हम चलते हैं चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। पापड़ी के साथ में चटनी तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए देखिए हम चटनी बनाने जा रहे हैं। हमने जो है धनिया लिया हुआ, हरी धनिया, अगर आपके पास में पुदीना है तो पुदीना भी डालिए, और अच्छा टेस्ट आता है। और ये हमने शक्कर लिया हुआ है, थोड़ी सी इमली लिया है, थोड़ा नमक, और ये सूखी मिर्ची, हमें इसको बारीक पीस लेना, बहुत टेस्टी बहुत अच्छी चटनी बनती है। इसको हमें बारीक पीस लेना है, चटनी को बारीक देखिए हमने पीस लिया, चटनी तैयार हो चुकी है। अब जो है अब चलते हैं पापड़ी चाट बनाने की तैयारी करते हैं। 10 मिनट हो चुका है, तो देखिए जिस तरह से ये जो है रोटी का पेड़ा हम बनाते हैं उस तरह से ये हमने पेड़ा बना लिया, और रोटी की तरह ही हमको इसको पतला बेल लेना है। देखिए इस तरह से हमें बेलना है, जैसे जो है रोटी से थोड़ा सा मोटा जो है, और ज़्यादा ना बहुत ना मोटा होना चाहिए ना बहुत पतला, बस रोटी से थोड़ा सा मोटा, और इस तरह से हमें काट लेना है। देखिए इस तरह से हमने काट लिया, अब हमें ये फॉर्क से इस तरह से कर लेना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये फूल जाएगी, हमें पापड़ी चाट बनाना है इसलिए इसको हमें बिल्कुल फुलाना नहीं ना। हमने गैस पर जो कढ़ाई रखा हुआ तो ऑयल डाल चुके हैं, हमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना है। हम घी का इस्तेमाल कम करते हैं, और हमें सरसों का इस्तेमाल तो बिल्कुल, सरसों के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है इसमें। और ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब हमें धीमे धीमे करके इसको डालना है। देखिए इस तरह से हमको जो है पूरा तल लेना है, और थोड़ा सा भी और लाल करना है, कुछ हार्ड एकदम रखना है, कड़ा कड़ा है। पूरी इस तरह से तल लिया है जो है, कोई भी फूली नहीं ना, अब हमको इस तरह से डेकोरेट करना है। हमने कुछ आलू उबाल के रखा हुआ था, देखिए हमें इस पे एक एक आलू की पीस जो है डालना है, ये उबले हुए आलू हैं। अब इसके ऊपर ये उबली हुई मटर हमें रखना है, डालना है, ये हमने मटर भी उबाल लिया था। हमको डालना है चाट मसाला, हमने दही लिया हुआ है थोड़ा, अब इसको दही भी डालना है हमें ऊपर से, चटनी को डालना है। इसको आप लोग घर पर बनाइए, बहुत टेस्टी बहुत अच्छी बनती है। जब से हम घर में बनाने लगे हमने बाजार का खाना छोड़ दिया है। ये हमने आलू भुजिया लिया हुआ है, इसको आलू भुजिया को हमें डालना है इस तरह से, थोड़ी हरी धनिया ऊपर से हमें डाल देना है इस तरह से, और प्याज डाल देना है, थोड़ी हरी मिर्ची डाल देना है, और इसको डेकोरेट करने के लिए थोड़े से अनार के दाने, बहुत अच्छे, बहुत टेस्ट में भी और देखने में दोनों बहुत अच्छा लगता है। पापड़ी चाट तैयार है, आप लोग ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई करिए, हमको बहुत खुशी होगी अगर आप लोग बनाते हैं, और फिर इसको शेयर करिए, कमेंट करिए हम पे, तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए आप लोग, सभी लोग सब्सक्राइब करिए।